नरेंद्र मोदी को 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी तीन राज्य से। नरेंद्र आंदोलन से हम लोग नेता रहे, 1974 के आंदोलन से, तो बीमार थे, उनसे मिलने के लिए आए, उनको देखने आए, उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करने के लिए आए। और मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हुई है? कोई मंत्रिमंडल पर चर्चा काहे के लिए, लालू जी से करेंगे, वो तो है ही वहाँ तेजस्वी जी, वो लोग आपस में करेंगे, हम क्यों लालू जी से चर्चा करेंगे। लालू जी से क्या आशीर्वाद मिली सर, बिहार सरकार कैसे चला? लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं कि 2024 का चुनाव उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी तीन राज्य से। नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकिएगा? अरे भाई 2024 का हम किसी को उखाड़ेंगे काहे के लिए, ना हम लोग उखाड़ते हैं ना किसी को फेंकते हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो 40 सीट घटने की जरूरत है, और उस 40 सीट पर बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी तीन राज्य से हम लोग 40 उनका घटाएंगे। सर ये बात कही जा रही है कि सरकार स्मूथली चलेगी, इसको लेके कई सारे संशय, आपको अगर संशय है तो आप देख लीजिएगा, संशय तो लोग पैदा करेंगे ही, लेकिन सरकार पूरी स्मूथली चलेगी, पूरी मजबूती से चलेगी दोनों पार्टियों में, और जो अन्य पार्टियां हैं, वामपंथ दल की पार्टियां हैं, माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, सब में पूर्णता समन्वय है। सर अब प्रायोरिटी क्या रहेगा, जॉब क्रिएशन, क्योंकि बहुत बड़ा वादा रहा था। सब बात आज बता चुके हैं तेजस्वी जी कि एक महीना के अंदर हम लोग, आज वो सब मीडिया को बता चुके हैं, तो उसको तो सरकार का काम है, नहीं पार्टी का काम है, तो सरकार का काम है, सरकार में जो उप मुख्यमंत्री वो बता चुके हैं, तो हम पार्टी वाले, हमसे पार्टी का पूछिए, संगठन का तो संगठन का पूछिए, आप तो हम बता दिए। बीजेपी वाले सड़क पर उतरे हुए हैं? अरे बीजेपी के लोग सड़क पर उतरे जी, 42 गो आम सभा किए थे 2015 के विधानसभा के चुनाव में, प्रधानमंत्री इस देश के, और 53 गो सीट आया था, सड़क